तो चलो फिर बच्चे इस वाले सवाल को देखो कि इसमें अगर हमारे पास एक पुली है और उस पुली से दो वेट अटैच है, दिस इज द, अगर यहाँ से एक स्ट्रिंग पास होती है तो एक वेट ये है मास M1 है और दूसरा जो स्ट्रिंग यही जाती है ये मास M2 है, ठीक है ना। तो अगर ये पूरा जा रहा है यहाँ से ऐसे जा रहा है तो ये यहाँ पर तुम देखोगे ये दो मास यहाँ से अटैच है, तो अगर इन दोनों मास को तुम देखोगे बेसिकली तो ये ए और एक्सलेशन जी से ऊपर जा रहा। तो अब इसको देखो करने को, तो इसको सवाल को तुम बेसिकली एक ट्रिक बताए थे उसे भी कर सकते हो, टेंशन और एक्सलेशन, और इसको तुम फ्री बॉडी डायग्राम बना के भी कर सकते हो। तो अभी मैं दोनों से भी कर देता हूँ, और ट्रिक के लिए तुम ये मेरे चैनल के मतलब NLM वाले सेक्शन में जाके देख लेना। सबसे पहले अगर एक ऑब्जर्वर है, मैं इसी के फ्रेम से देखता हूँ नॉन इनर्शियल फ्रेम से, तो अगर इसके इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है और ये ब्लॉक नीचे आ रहा है, ठीक है ना, तो ये एक्सलेशन से ऊपर जा रहा है और ये एक्सलेशन से कुछ नीचे आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले इस पे जो फोर्सेज लगेंगे, ठीक है, तो सबसे पहले इसका M2G तो वेट लगेगा जो कि वेट W2 है। वेट यहाँ W2 की वैल्यू क्या है यार, W2 की वैल्यू है M2G और W1 की जो वैल्यू है वो है M1G, ठीक है ना। तो यहाँ से, और इसके अलावा ये ऑब्जर्वर इसका नॉन इनर्शियल फ्रेम में है तो इस फ्रेम का एक्सलेशन जी है, तो इस पे सूडो लगाएगा इधर को। है सूडो क्या होता है, मास ऑफ द बॉडी M2 और एक्सलेशन ऑफ द फ्रेम जी, तो ये एक सूडो लग गया, ठीक है ना। तो कुल मिला के यहाँ M2G है तुम देखोगे तो ये 2 M2G यहाँ से ये कुल फोर्स डाउनवर्ड लग गया इस पे, और इसी पे टेंशन ऊपर लग गया, ठीक ना। तो 2 M2G नीचे लग गया, टेंशन ऊपर लग गया और ये जा ऊपर रहा, ठीक है। अब दूसरे वाले पे देखोगे जो M1 है उस पे, उस M1 पर अगर फ्री बॉडी डायग्राम बना के देखोगे तो कौन कौन से फोर्से लग रहे हैं, तो इस पे M1G जो वेट है वो तो लगेगा ही लगेगा, साथ साथ एक सूडो लगाएगा जो कि मास ऑफ द बॉडी और एक्सलेशन ऑफ द फ्रेम मतलब ए जी। तो ये जो है 2 M1G पर डिग्री डाउनवर्ड लग गया और इस पे टेंशन टी ऊपर लग रहा है, जा नीचे रहा है, ठीक है। तो इस ट्रिक फर्स्ट मेथड में अगर मैं करूँ तो आप डायरेक्ट एक लाइन में इसको कर सकते हो, अदरवाइज आपको बहुत दिक्कत होगा। तो इसमें टेंशन कैसे निकालते थे, टेंशन जो है इसके रिस्पेक्ट में, ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में ब्लॉक नीचे जा रहा है तो फॉरवर्ड फोर्स जो फोर्स नेट इसको सिस्टम को खींच रहा है, तो 2 M1G मल्टीप्लाइड बाई बैकवर्ड मास, जो दूसरा वाला मास है उससे मल्टीप्लाई करो, ये M2 से मल्टीप्लाई, ये प्लस साइन देना, ठीक है ना, प्लस साइन देना। जो जो रिवर्स फोर्स है जो पीछे खींच रहा है, तो 2 M2G इस पूरे सिस्टम को पीछे खींच रहा है, और ये M1 से मल्टीप्लाई कर देना और डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ टोटल मास M1, तो ये आ जाएगा 4 M1 M2 G और ये M1 प्लस M2। लेकिन हमें ये जो है वो एक्चुअली वेट के टर्म में लिखना था, तो एक काम करते हैं, यहाँ से जी से ऊपर नीचे अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ एक और जी से, तो ये 2 4 यहाँ साइड में रहने दो, और यहाँ से M1 G और यहाँ से M2 G, और यहाँ से तुम देखोगे नीचे M1G और ये प्लस M2G, तो यह आ जाएगा 4 टाइम्स W1 W2 और डिवाइडेड बाई W1 प्लस W2, ठीक है ना। तो ये वाली जो चीज़ है, तो इससे तो क्वेश्चन एक लाइन में हो जाता है, एक्सलेशन टेंशन मतलब अपना ए ऑप्शन सही है। अगर ऐसे नहीं कर सकते हो तो जैसे सभी जो लोग करते हैं वैसे करोगे तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा तुम्हारे लिए लंबा जाएगा प्रोसेस में, ठीक है ना। उससे कैसे करते हैं मैं बता देता हूँ, फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, इक्वेशन सॉल्व करो और फिर उसको, तो ये पुली ए जी एक्सलेशन से ऊपर जा रही है और यहाँ पर ये जो ब्लॉक है और ये जो दो 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 ब्लॉक है, तो ये यहाँ से दो दो ब्लॉक है ये वाली चीज़, ठीक है ना। तो ये यहाँ से ये तुम देखोगे तो इस पे टेंशन टी ऊपर लगा और इस पे M2G नीचे लगा, और यहाँ से तुम देखोगे यहाँ से इस पे M2G नीचे लगेगा सूडो फोर्स, समझ रहे, और यहाँ से इस पे M1G वेट लगेगा और सूडो MA होता है मास और एक्सलेशन ऑफ द फ्रेम जी। ये सब कुछ देख रहा है एक ऑब्जर्वर इसी पे बैठा हुआ है, ठीक है ना, ये जादूगर है।
इसको मैं जादूगर बोलता हूँ, तो ये कहीं भी बैठ सकता है। तो ये फ्रिक्शनलेस पुली पे, स्मूथ पुली पर बैठ गया, और ये देख रहा है कि ये ऊपर जा रहा है और ये ऐसे नीचे आ रहा है। तो इसका इक्वेशन लिखेगा, जो दूसरा वाला ब्लॉक है उसका इक्वेशन ये लिखेगा, तो बोलेगा कि टी माइनस टू टाइम्स एम टू जी और इज इक्वल टू एम टू ए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और इसका जो इक्वेशन लिखेगा दूसरे वाले को, वो बोलेगा कि टू टाइम्स एम वन जी माइनस टी इज इक्वल टू एम वन ए, दीज आर द टू इक्वेशन। तो अगर तुम यहाँ से देखोगे तो अब इन दोनों को तुम सॉल्व करोगे ए और टी के लिए, तो टी के लिए सॉल्व करना, ऐड कर दोगे तो टी यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, तो एक्सलेशन की जो वैल्यू आ जाएगी वो टू जी यहाँ से कॉमन ले लो तो ए आ जाएगा एम वन माइनस एम टू डिवाइडेड बाई एम वन प्लस एम टू, ठीक है ना, ये वाली चीज़। अब ए की वैल्यू किसी में भी पुट कर दो, पुट इन फर्स्ट, तो टी माइनस टू टाइम्स एम टू जी इज इक्वल टू एम टू, और यहाँ से मैंने यहाँ पर रखा इसमें, तो टू जी यहाँ से टू जी एम वन और माइनस यहाँ से एक्सप्रेशन की वैल्यू डाल रहा हूँ टू जी एम टू डिवाइडेड बाई एम वन प्लस एम टू, ये वाली चीज़। तो अगर तुम देखोगे यहाँ से तो इसको सॉल्व कर लेना, इस एलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लोगे तो फोर टाइम्स एम वन एम टू जी मिलेगा और एम वन प्लस एम टू, आई होप कि आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि फोर टाइम्स डब्लू वन डब्लू टू और डिवाइडेड बाई डब्लू वन प्लस डब्लू टू, मतलब कुल मिला के अगर तुम देखोगे यहाँ से तो अपना जो है वो फोर्थ ऑप्शन यहाँ से मैच कर जाता है। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।